हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका में मनाए जाने वाले एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अनोखे रिचुअल के बारे में, जिसका नाम है भूताकुला। एक्चुअली आप में से शायद कई लोग इस रिचुअल के बारे में जानते भी होंगे और इस पर जो मूवी आई थी कांतारा नाम से, उसको देखा भी होगा। तो एक्चुअली उस मूवी को पहले कोई इस रिचुअल के बारे में बिना जाने देखता है ना, तो वो समझ नहीं आती है। इवन दैट हैपेंड विद मी आल्सो, बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस रिचुअल, इट वाज सो इंटरेस्टिंग। इट वाज सो, मतलब वहाँ के लोग इस रिचुअल को लेकर इतने डिवोटेड हैं, इतने पैशनेट हैं, दैट एवरीवन हैव टू रिस्पेक्ट दैट। सो ये वीडियो तीन पार्ट्स में, मतलब तीन पॉइंट्स में बेसिकली होगा, वेयर, फॉर होम एंड हाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वेयर, अब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये रिचुअल एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ किया जाता है। कर्नाटका में तो किया जाता है, लेकिन कर्नाटका में कहाँ? तो ये कर्नाटका में जो है दक्षिणी कन्नड़ के रूरल एरियाज़, उडुपी डिस्ट्रिक्ट और मेनली तुलुनाडु में परफॉर्म किया जाता है। ये वहाँ के जो लोग हैं वो इस बात में बिलीव करते हैं कि हम अपने इस रिचुअल को ज़्यादा मीडिया की तरफ नहीं, मतलब यू होता है ना, वी आर नॉट परफॉर्मिंग दिस फॉर गेनिंग एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी। ये लगभग 500 सालों से ये रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है वहाँ पे, और ये मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं किया जाता है ये, इसीलिए शायद बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। और ये रिचुअल किसी भी तरह का टूरिस्ट इवेंट नहीं है। हाँ, लेकिन कोई भी कौन इसे देख सकता है या कौन नहीं देख सकता है, इस पे किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी हमारे पंजूरी देव का आशीर्वाद लेना चाहता है वो आके इस रिचुअल को देख सकता है। फॉर होम, ये रिचुअल वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं, उनकी जो उनके गॉड्स जो होते हैं, उनके देवता जो होते हैं, उनको पूजने के लिए, उनको डिवोट करने के लिए ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। एक जो पर्टिकुलर इंसान या जो इस रिचुअल को परफॉर्म करता है, उसको एक पूरा गेटअप दिया जाता है, जैसे उसके चेहरे को पूरा पेंट कर दिया जाता है, उसके मतलब नारियल के जो पंख से बनी हुई सीरी नहीं होती है, उसके कमर के चारों ओर उसको लपेट दिया जाता है, और उसके बाद वो डांस करते हुए, एक पर्टिकुलर तरीके का डांस करते हुए, नृत्य करते हुए अपने देवता का आवाहन करता है। और पंजूरी, बबरिया, पिलीपूता, कुलकुड़ा, ये सब वहाँ के पॉपुलर भूतास हैं। हाउ, अब कहाँ मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है, ये तो हम सब ने जान लिया, पर कैसे मनाया जाता है? एक्चुअली भूताकुला नाम का ये जो रिचुअल होता है, ये शाम के 7 से 7:30 बजे के बीच में लगभग शुरू होता है, और जैसे जैसे शाम होती है ये डांस परफॉर्मेंस, ये रिचुअल और भी ज़्यादा शानदार होता चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पर्टिकुलर इंसान इस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा होता है, उसके अंदर एक्चुअल में पंजूरी देव आते हैं और आके गाँव वालों के जो पारिवारिक मुद्दे होते हैं, विवाद होते हैं, उनको सुलझाते हैं। गांव वालों में निर्देश भी जारी करते हैं, यानी गांव वालों को किसी तरीके की कोई इंपॉर्टेंट एडवाइस देते हैं, और सभी लोग उसी एडवाइस को सुपीरियर मानते हैं और उसका रिस्पेक्ट के साथ उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब ये जो रिचुअल है, दिस इज़ एक्चुअली सो इंटरेस्टिंग कि इसके बारे में सुनते ही एक काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट is you know generated in our hearts। so ये festival कर्नाटका में perform किया जाता है और नवंबर से मार्च के महीने में perform किया जाता है, जो जो मैंने places आपको बताई वहाँ वहाँ पर। और this is one example of how beautiful the cultures of our India is। so till then, हम अब इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है।